हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज हम ना सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। सम संख्या क्या होती है? देखिए, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वह संख्या जिसमें दो से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और दो सबसे क्या है? छोटी सम संख्या है। जब भी कोई आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो दो सबसे छोटी सम संख्या है, जिसको इंग्लिश में टू नंबर क्या हुआ, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है। अब देखिए, लास्ट में जैसे मान लीजिए नंबर, एग्जांपल जैसे आपका है, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, तो ये टू से क्या आपका लग जाएगा, माने भाग चला जाएगा, टू से पूरा कट जाएगा ना। हाँ, देखिएगा, टू से लास्ट में जैसे रहेगा आपका 4, 6, 8, 0, ठीक है, लास्ट में 0 भी रहेगा तो क्या होगा, तो आपका ये टू से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे सम संख्या। ये अब जैसे ये तुरंत कैसे बताइएगा कि सम संख्या है? कोई आपसे पूछेगा कि ये सम है कि विषम है, तो कैसे बताइएगा? देखिए, अगर लास्ट में 0 है, ठीक है, लास्ट में 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ही नंबर 2 से कट जाता है, ठीक है। ये पूरा ही जब भाग देंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो पूरा ही कट जाएगा, नंबर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया सम संख्या। जैसे ये भी देख लीजिए, ये नंबर है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा ये सम है या विषम है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर कैसे बताइएगा, ये लास्ट में क्या है, 2 है। यदि मान लीजिए आपका ये लास्ट में 1 रहता, ठीक है, तो क्या होता, ये इवन नंबर होता, सम संख्या होता, नहीं होता, क्योंकि ये 1 रहने से लास्ट में क्या होगा, 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, पूरा कटेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बच जाएगा, कुछ आपका भागफल नहीं, भागशेष बच जाएगा, सॉरी, भागशेष बच जाएगा। तो जब पूरा ही 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो ये क्या है, सम संख्या। लास्ट में मान लीजिए आप 3 रहता ये, तो क्या ये सम संख्या होता? कोई पूछेगा आपसे क्या ये सम है विषम है, तो क्या बताइएगा कि ये क्या है, विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा जब लास्ट में 3 रहेगा तो, ठीक है। लास्ट में मान लीजिए 7 रहेगा, या मान लीजिए सपोज ये 9 ही रहता लास्ट में, ठीक है, इतना ही नंबर रहता, तो ये क्या पूरा 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम नंबर, ठीक है। यदि और इतना रहता है, ये नंबर मान लीजिए इतना नंबर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोलेगा सम है ये विषम है, तो क्या बोलिएगा, क्या ये समी संख्या है, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है, 8 है। देखिए विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या क्या क्या है, आपका कोई आपसे कोई पूछेगा ये विषम नंबर क्या क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 भी हो सकता है, ठीक है, ये सब 13 भी हो सकता है। मतलब ये क्या है, जैसे नंबर है, एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल आप मान लीजिए क्या, आपको कोई ये दिया नंबर, ये नंबर दिया, तो ये क्या है, सम है या विषम है, तो ये आप बोल ही सकते हैं क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से नहीं जाएगा, पूरा ही 2 से लगना चाहिए, पूरा ही कट जाना चाहिए, मतलब आप जब भाग दीजिएगा तो क्या होना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कुछ भी भाग शेष नहीं बचना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या, और यदि बच गया तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ठीक है। तो ये नंबर मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है, तो आप क्या, ये 2 से पूरा ही कटेगा, ये नंबर 2 से जाएगा, कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो ये क्या है, विषम नंबर ही है, क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ आपका ये रहता 2 रहता, तो क्या होता है, ये सम संख्या हो जाता, मगर यहाँ क्या है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 9 तो जाएगा नहीं, लास्ट नंबर तो नहीं जाएगा, 5 भी जैसे नहीं जाएगा, 2 से कटेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, 1 बच जाएगा, इसमें भी 1 बच जाएगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जब डिवाइड कीजिएगा तो पूरा कटना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सम संख्या, जब पूरा कट जाएगा तो 2 से कटना चाहिए, ठीक है, 2 से जो पूरा भाग चल जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या, और 2 से नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या, 2 से पूरा नहीं कटेगा तो ये विषम संख्या। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।